दोस्तों होली शुरू होते ही काफी कॉल आनी शुरू हो गई है कि गुजिया का होलसेल रेट क्या है, क्योंकि वो भाई बेचना चाहते हैं, उनकी दुकान है या जनरल स्टोर है, डेयरी वाले हैं, वो चाहते हैं हम बेचकर पैसा कमाए, या काफी दिनों से बेच रहे हैं लेकिन इस बार नहीं बनाना चाहते हैं, ये भी सवाल आते हैं कि इस बार हम बना नहीं रहे तो गुजिया नहीं बना रहे, तो हमारे से होलसेल में ये थाल तैयार हो रहे हैं जो दुकानों पे जा रहे हैं, तो ये थाल भी ले सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को यहाँ पर भेजनी है, जैसे काफी लोग भेजते हैं टोकरे वगैरह, तो इस तरीके की थाल भी हमारे पास, ये फैंसी फैंसी थाल देख सकते हैं, नई नई डिजाइन के, इनमें गुजिया आप लगवा सकते हैं, इसमें 5 किलो गुजिया, 2 किलो गुजिया, 7 किलो गुजिया, जिस तरह का भी आप लगवाना चाहते हैं आप लगवा सकते हैं, ये फैंसी वगैरह थाल जितने भी है, टोकरी हमारे पास, टोकरी दिखा सकते हैं आप, इस तरह की टोकरी होती है हमारे पास, जब टोकरी आप देख रहे हैं इनमें भी 5 किलो या 10 किलो की टोकरी होती है, इन टोकरियों को भी कंप्लीट हमारे से बनवा कर आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर भेज सकते हैं। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस का रेट क्या है ये भी बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड हेल्पफुल कॉन्टेंट हमेशा लाता रहता हूँ मैं सुनील लाठर सुंदर सिंह से। थाल की बात करता हूँ, थाल मुझे पूछते हैं काफी भाई कितने का थाल है, तो ये 100, 150, 200, 250 रुपए तक के थाल आ जाते हैं, इसमें गुजिया लगाई जाती है, गुजिया का रेट जो भी होता है उस रेट से 5 किलो का थाल डेकोरेट करा लें, और जो थाल के पैसे होते हैं गुजिया के पैसे होते हैं वो देने पड़ते हैं आपको अलग अलग, ये थाल कम्प्लीट होते हैं। अभी ये वाला थाल आप देख सकते हैं, जैसे मान लो 200 रुपए का थाल है, इसमें गुजिया 5 किलो लगवा ली, 5 किलो गुजिया के पैसे प्लस थाल के पैसे ऐड होते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, पैकिंग का चार्ज नहीं लेते, ये खूबसूरत डिजाइन में पैक हो जाएंगे, जैसे कि ये फैंसी थाल है हमारे पास, गोल्डन थाल है, ये सस्ता है बिल्कुल, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, ये थालों को भी आप लेकर और तैयार करा सकते हैं। वैसे 1 किलो कोई गुजिया हमारे यहाँ से लेता है तो गुजिया का बॉक्स होता है फैंसी, उसके अंदर दी जाती है, और या 2 किलो के बॉक्स है, या टोकरी आजकल जो 5 किलो की होती है, टोकरी के पैसे देने होते हैं, और गुजिया उसके अंदर जो भी रेट होता है हमारा उससे डलवा सकते हैं। रेट क्या है मुझे कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स में बताऊंगा रेट, क्योंकि पूछते हैं होलसेल में क्या रेट बेचते हो, रिटेल का क्या रेट है, वैसे रिटेल के रेट ज्यादा महंगे नहीं है, 10 से 15 रुपए का फर्क रखता है हमने। ये थाल अगर आप लेते हैं तो थाल हमारे पास ले सकते हैं यार, हम तो तेरे से जानना चाहते हैं कि बेचने के लिए क्या रेट है, तो बेचने की रेट भी अलग है, बहुत जबरदस्त रेट है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9289316361 पर कॉल करें और बेचने की जानकारी लें। अभी जो गुजिया मेरी जा रही है दुकानों पे वो 30 किलो का थाल होता है, ये कंप्लीट थाल जाएगा, आपको मीठी नहीं करनी पड़ेगी, बनानी नहीं पड़ेगी, खोया नहीं खरीदना, मैदा नहीं लगानी, स्टाफ नहीं रखना है, या किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी है, आपको पैसे देने हैं, ये कंप्लीट थाल अपनी दुकान पर रख के और अपने कस्टमरों को बेच सकते हैं। ये शुद्ध खोए की बनाई जाती है, बढ़िया गुजिया होती है, लेकिन बनाई कैसी जा रही है ये भी दिखाऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। एक बार आए मेरे साथ, आज हमारे पास जो तैयारी चल रही है भाजी के बॉक्सों की चल रही है, जो कि बैटिंग के बॉक्स तैयार चल रहे हैं ये भी जा रहे हैं, गिफ्ट के साथ दिए जाते हैं, बैटिंग बॉक्स होते हैं, कई प्रकार के फैंसी फैंसी बॉक्स हैं अंदर लगे हुए हैं, आपने देखे होंगे ऑफिस में, मैंने काफी अपनी यूट्यूब चैनल सुंदर स्वीट्स में दिखा रखे हैं, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं, काफी वीडियो होंगी मेरी, जो कि भाजी के बॉक्स 90 रुपए से शुरू हो जाता है, 140 रुपए का है, 150 का है, 200, 250, 300, यानी हर रेंज के डब्बे हैं। गुजिया बनाई कैसे जा रही है ये भी दिखाता हूँ, डब्बे जो पैक हो रहे हैं वो तो आपने देखे होंगे, ये मशीन में आजकल पैकिंग होती है, पहले इस मशीन से पैकिंग नहीं होती थी, लेकिन आज की पैकिंग सारी इसी मशीन से होती है, ये आप देख सकते हैं मशीन, जो कि काफी वीडियो में मैंने दिखा रखी है। भाई मुझे पूछ रहे थे कि गुजिया कैसे बनाई जाती है, तो वो तो मैंने बता ही रखा है कि 1 किलो मैदा के अंदर 200 ग्राम मोन लगाया जाता है, 400 ग्राम पानी, आंख बंद करके लगा दे, उसके बाद जो खोया जो बनाया जाता है ये तो आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, खोए के अंदर खोया भूंज के और चीनी और ड्राई फ्रूट लगाने के बाद इसे आप बना सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि गुजिया कैसे बनाई जाती है, उसमें ऑलरेडी काफी वीडियो डाल रखी है, बनाई जा रही है, आप किस तरीके से बना रहे हैं गुजिया की, हमने ये पेड़ी तोड़ी हुई है, इस बार दिखाए मैदा की, ये आप देख सकते हैं ये पेड़ी हमने छोटी छोटी पेड़ी तोड़ी है, उसके बाद गुजिया बेली गई, उस्ताजी एक बार बेल कर दिखाए गुजिया, एक बार एक पेड़ी बेला जैसे कि ये बेली उस्ताजी ने, उसके बाद यहाँ पर जो काम चल रहा है ये हम बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये आप दिखा सकते हैं जो मेथड जो लगाया हुआ है, ये खोया भूंज के हमने ड्राई फ्रूट तैयार किया और ये बनाई जा रही है, गुजिया की डिजाइन एक बार निकाल के दिखाए। कई भाई कह रहे थे कि सांचे से बनाते हैं, कि नहीं भाई हम हाथ से बनाते हैं, एक बार अशोक भाई इसको तैयार करके दिखाए मुझे, जो हाथ से बनाई जा रही गुजिया आप देख सकते हैं, ये प्लेन गुजिया है, न हमने कोई सांचे से तैयार किया है, ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसकी डिजाइन
क्या निकाले इसी तरह की जो आपने निकाली हुई है, कंप्लीट करें इसको। ये हमने हाथ से ही कंप्लीट किया डिजाइन, आप देख सकते हैं किसी भी तरह कोई सांचे का इस्तेमाल नहीं हुआ इसके अंदर, ये हाथ से हमने तैयार किया है। लेकिन जैसे ही गुजिया तैयार होगी मैं दिखाता हूँ अशोक भाई, मेरे हाथ में ही देना ऐसे ही, ये देख सकते हैं इसके अंदर किसी सांचे का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये हाथ से तैयार की है। लेकिन हाथ से ही सारी डिजाइने बनाई जा रही है, जो कि थाल जो तैयार हो रहे हैं जो दुकान वालों पे जा रहे हैं वही गुजिया हमारे पास, ये दुकान सेल जो काउंटर सेल हमारी वहां पर बेची जा रही है। लेकिन बेचने वाले भाई हमारे से थाल लेते हैं पूरा 30 किलो 35 किलो 40 किलो तक के थाल कंप्लीट होते हैं पर डे, थाल हर दुकानों पे जाते हैं, शादियों में रिश्तेदारों के यहाँ पर भेजते हैं, कोई एक दूसरों का लेन देन में होती है, तो हमारे पास थाल आए हुए हैं आजकल डेकोरेट में, बहुत ही सुंदर और प्यारे थाल है जिसका कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, बिल्कुल कम बजट में आपको मिल जाएंगे। गुजिया आप खरीद कर उसमें डेकोरेट करा लें, ऊपर से पैकिंग करके हम देंगे जिसका कोई पैकिंग का चार्ज नहीं लेंगे आपसे। ये कंप्लीट गुजिया की एक बार ट्रे दिखाएं जो कि अभी तैयार की है हमारे उस्ताद जी ने। ये गुजिया की एक एक गुजिया आप देख सकते हैं, एक एक गुजिया की डिजाइन एक जैसी मिलेगी, एक गुजिया का वजन ये नहीं कि कोई कम है कोई ज्यादा है, बराबर साइज की गुजिया होंगी और सबसे अच्छी गुजिया होंगी। अशोक भाई ये सारी गुजिया आपने भरी है, वजन कम ज्यादा तो नहीं है किसी का, बराबर अभी तोली जाएंगी। थैंक यू थैंक यू। हम गुजिया तोल भी सकते हैं, जो साइज बन रहा है वो एक ही साइज का है, अब एक साइज कैसे निकलेगा आप ये भी सोच रहे होंगे, क्योंकि जिसकी जो पेड़ी तोड़ी जाती है उसका एक साइज होता है, जो हम माल इसके अंदर भर रहे हैं वो भी एक ही साइज का है, जो हमारे हाथ बैठे हुए हैं जो डिजाइन की जाती है वहां पर भी एक ही साइज आता है, यानी कि हाथ से भी गुजिया हम एक ही साइज की बना सकते हैं सांचे से हटकर। लेकिन आपको पता ही होगा मिठाइयां भी हमारे यहाँ पे होलसेल में मिलती हैं, बिस्कुट होलसेल में मिलते हैं, नमकीन होलसेल में मिलती हैं, जिसका काफी भाई फायदा उठाते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, या दिल्ली में ही है जो मंगाते हैं गाड़ियों द्वारा अपने बेचने के लिए, घर के लिए रिटेल का काउंटर है हमारा। लेकिन अभी है गुजिया का त्यौहार तो गुजिया के थाल आप मंगा सकते हैं, समय कम है, कारीगर नहीं आए आपके पास या चालू नहीं किए अभी तक आपने बनानी, तो गुजिया का थाल हमारे से कम्प्लीट लें, रेट होलसेल के मिलेंगे आपको, और बाजी के बॉक्स सभी प्रकार के बताई दिए थे, मिठाई के फैंसी फैंसी बॉक्स है, ड्राई फ्रूट के बॉक्स आजकल चालू किए हैं, एक बार ड्राई फ्रूट के बॉक्स दिखा दे मुझे, ये बाजी के बॉक्स जो रखे हुए हैं कंप्लीट, अभी पैकिंग चली रही थी, ये आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट के फैंसी फैंसी बॉक्स आए मेरे पास, ये कंप्लीट बॉक्स देख सकते हैं, ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे बॉक्स हमारे पास आए हैं डिजाइन में, बहुत ही सुंदर जबरदस्त बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं वुडन बॉक्स है, ये वुडन बॉक्स है, ये पीछे थाल रखे हुए हैं, ये बॉक्स रखे हुए हैं फैंसी फैंसी, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन समय कम है, आजकल होली का त्योहार है, काम ज्यादा है, क्योंकि दुकानों के ऑर्डर है या कस्टमरों के ऑर्डर काफी होते हैं, तो मैं कुछ समय निकालकर आपको अपनी जानकारी हर समय देने की कोशिश करता रहता हूँ। दोस्तों आपके दिल में कोई सवाल चल रहा हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हर कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, और उस पर अगर कोई अपडेट देनी होती है, कोई जानकारी देनी होती है, तो कमेंट्स में से ही आपको जानकारी मिलती रहती है। और रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटी सी आपसे, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, और नई नई जानकारियां आपको फ्री में मिल रही है, तो आप ले सकते हैं, सब्सक्राइब करने का चार्ज नहीं होता है। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।